नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं वास्तु के एक छोटे से टिप्स के बारे में। दोस्तों ये टिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रोज़मर्रा के लाइफ में। जो भी लोग वास्तु को मानते हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि बाथरूम में आपको बैठते टाइम पे किस तरफ आपका फेस होना चाहिए, मतलब कि शौचालय में आपका शौच करते टाइम पे आपका फेस जो है वो आपका किस साइड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो भी वास्तु को मानते हैं उसके लिए शौचालय में होने वाले सभी कार्य सही दिशा में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर शौचालय जो है आप माने या ना माने, ये घर में एक नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों इसलिए शौचालय में सब कुछ सही दिशा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप शौचालय सही दिशा में बैठ करके नहीं करते हैं तो इसके बहुत सारे गलत प्रभाव आपकी लाइफ में देखने में मिल सकते हैं। पहले ज़माने में लोग वास्तुशास्त्र पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, जिस कारण से वो लोग घर के आसपास बाथरूम बनाते ही नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे बाथरूम जो है, शौचालय जो है, वो घर में ही बनते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें उसका इलाज वास्तु के अकॉर्डिंग सही तरीके से करना पड़ता है। तो मैं आपको सीधा कॉपी पेन के ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ मैं एक्यूरेटली आपको बताऊँगा कि आपको शौचालय करते टाइम पे किस दिशा में आपका फेस जो है वो होना चाहिए। अगर आप सही दिशा में अपना फेस नहीं रखते हो तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि आपके घर में मनी लॉस होना, प्लस आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में हमेशा रहेंगे, कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगी, सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई ना कोई घर में हमेशा बीमार रहेगा। तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज आपको किस दिशा में अपना फेस रखना है। इसलिए दोस्तों सीधा कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं और कॉपी पेन के ऊपर चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेटली, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस दिशा में आपको फेस बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने शौचालय का। तो शौचालय करते टाइम जब बैठते हैं तो उस टाइम पर अपना फेस आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है उस तरफ। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं कॉपी पेन के ऊपर। दोस्तों जैसे कि हम कॉपी पेन के ऊपर डायरेक्ट आ चुके हैं और अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको शौचालय करते टाइम पे किस दिशा में फेस करके बैठना है। अब यहाँ पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपका शौचालय किस दिशा में होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो फटाफट जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत नॉलेजफुल है। आप जब भी अपना घर बना रहे हैं तो आपको वास्तु के अकॉर्डिंग उन्हीं डायरेक्शंस में अपना शौचालय रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस फेस में आपको बैठना है शौचालय करते टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर ये सही दिशा में आप फेस करके नहीं बैठते हैं तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बहुत ज़्यादा रूप से सक्रिय हो जाती है। जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको पानी के साथ वो फ्लश करती है, पानी के साथ बह जाती है। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखें, आप जब जैसे ही मान लीजिए कि आपका ये एक प्लॉट है, मैंने यहाँ पे प्रॉपरली पहले ही बना लिया, आपको अपने उस प्लॉट का डायरेक्शन पता है, जैसे कि मैं डायरेक्शन लिख चुका हूँ। तो ऐसे में जब भी मैंने बताया था आपको कि आपको किस डायरेक्शन में आपको बनाना है, वो तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आपको आई बटन में प्लस वीडियो के एंड में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप जब भी शौचालय बनाते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए। शौचालय बनाते हैं तो आपको हमेशा जो है आपका फेस जो है हमेशा उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपका जब भी आप शौचालय पे बैठते हैं या शौचालय का फेस जो है आपका, वो आपका होना चाहिए उत्तर दिशा में या फिर आपका दक्षिण दिशा में, मतलब कि या तो नॉर्थ में या तो साउथ में, इसके अलावा कोई और फेस नहीं होना चाहिए। ये फेस बहुत सही माने जाते हैं शौचालय में बैठते टाइम पे, आपका फेस जिस तरफ होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका फेस होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी शौचालय बनवा रहे हैं तो कभी भी शौचालय का फेस जो है आपका, मतलब आप बैठते हैं शौच करने तो उस टाइम पे आपका फेस कभी भी ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें, ईस्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट जो है वो सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता है। और इस कारण से अगर आपने ईस्ट की तरफ फेस रख दिया तो आपको बुढ़ापे में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी तकलीफ अपने लाइफ में देखने को मिल सकती हैं, प्लस कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई में आप फंसे रहेंगे या फिर कब्ज, पाइल्स, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां भी आपको होने की शिकायत हो सकती हैं। तो ये जैसे कि आपको पता लग चुका है कि जब भी आप शौचालय
में बैठते हैं तो उस टाइम पे आपका फेस जो है हमेशा या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप शौचालय बनवाते हैं तो आपका शौच का जो डायरेक्शन है वो इन्हीं डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ समाप्त। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और साथ में अपनी राय जो भी है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और नए हैं हमारे चैनल पे तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है लाल कलर का, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल ही फ्री है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्लस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जल्द ही मिलते हैं अगली और बहुत सारी नॉलेज।